चीन जीतने निकले भारतीय राजा सिंगापुर में बसे यह दिल्ली से छोटा यहाँ दुनिया की नामी कंपनियां। मोदी क्यों बोले भारत में कई सिंगापुर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर का 2 दिन का दौरा किया। 10 साल के कार्यकाल में यहां उनका छठा दौरा था। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर 719 वर्ग किलोमीटर में फैला एक टापू देश है। ये इतना छोटा है कि भारत में 4571 सिंगापुर समा सकते हैं। इसके बावजूद सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर देशों में 4थे नंबर पर है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय 1.7 लाख अमेरिकी डॉलर, करीब 90 लाख रुपए है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय महज 2239 डॉलर, करीब 1,87,000 रुपए है। सिंगापुर हमेशा से इतना संपन्न नहीं था। यहाँ 1819 में पहले एक वीरान टापू था, लेकिन आज यह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब में से एक है। सिंगापुर में 7,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, जबकि भारत में केवल 3,291 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। सिंगापुर कैसे वीरान टापू से मल्टीनेशनल कंपनियों का हब बना, मोदी क्यों भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं, इस स्टोरी में सिंगापुर की तरक्की की कहानी। सिंगापुर के नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक सिंगापुर एक वीरान द्वीप था। यह 6वीं सदी से बौद्ध साम्राज्य श्री विजय के अधीन था। इस साम्राज्य का आधुनिक मलेशिया, इंडोनेशिया समेत सिंगापुर पर शासन था। तब सिंगापुर को तमासेक नाम से जाना जाता था। 11वीं सदी में भारत के चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोल ने चीन को जीतने की ठानी। मलय दस्तावेजों के मुताबिक राजेंद्र चोल कलिंग के राजा सुलन के साथ मिलकर चीन पर हमला करने निकल गए। सुलन को सिकंदर का वंशज माना जाता था। उन्होंने रास्ते में आने वाले श्री विजय साम्राज्य पर सबसे पहला हमला बोला और उसे हरा दिया। यह सूचना जब चीन के सोंग राजवंश तक पहुंची तो वे डर गए। उन्होंने एक गुप्तचर भेजकर राजेंद्र चोल को यह यकीन दिला दिया कि चीन बहुत दूर है, इतनी दूर सेना लेकर जाना संभव नहीं है। इसके बाद सुलन व चोल ने चीन को जीतने का सपना छोड़ दिया। राजेंद्र चोल वापस घर लौट गए। वहीं राजा सुलन ने श्री विजय साम्राज्य की राजकुमारी ओनांग क्यू से शादी की और वहीं पर बस गए। राजा सुलन के वंशज सांग नीला उतामा साल 1299 में तमासेक द्वीप पर पहुंचे। यहां उन्हें एक शेर दिखाई दिया। उन्होंने पहली बार शेर देखा था। लोगों ने बताया कि यह जंगल का राजा सिंह है। इसी के नाम पर उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंगापुर यानी कि शेरों का नगर रख दिया। यही नाम आगे जाकर सिंगापुर हुआ। शेर सिंगापुर का प्रतीक बन चुका है। सिंगापुर से जुड़ी कई